हमारे कॉम्बॉस की तरफ भेजिए प्लीज। सोनगांव का अतिरिक्त खिलाड़ी तेजस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण ओवर लेके बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था सोनगांव प्रीमियर लीग में। केतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्कोरर के तौर पर। नरेश आमरे यांचं या ठिकाणी आता आगमन झालं, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे आवाज चषक 2020 या मंचावरती। वेलकम, अब मुकाबला शुरू हो रहा है तो मॉन्टी गुडेकर पावर प्ले का इशारा करते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर तैयार। तेजस की पहली गेंद, ऑफ टाइम के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए शानदार शॉट, क्या रोक पाएंगे देखना बहुत जरूरी है, और बढ़िया तरीके से गेंद को रोक लिया है। दो रन मिलेंगे कृष्णा और रोहित प्रारंभिक बल्लेबाज। तेजस ने सदी भी गेंदबाजी की थी सोनगांव प्रीमियर लीग में, अच्छे रफ्तार के साथ लाइन लेन के ऊपर निर्भर रहे थे। अब फील्डिंग देखिए, बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। सुंदर बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ जाएगी, चार रनों के लिए दर्शनीय स्ट्रोक। आंख होनी चाहिए मजनू को देखना तो लैला की आंख होनी चाहिए, और क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का कीड़ा आपके अंदर होना चाहिए। अगली गेंद, ओ इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, थोड़ा इंतजार किया था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कृष्णा। आनंदवाड़ी टूर्नामेंट में मैंने कृष्णा पवार को देखा था, कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेटर का बहुत बड़ा नाम है, बताने की जरूरत नहीं है। और असगनी की टीम पहुंच चुके, तो एक ओवर के बाद आपको लेके आएंगे, बिल्कुल थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको जल्दी आना था, सेलिब्रेशन तो आपने किया। अगली गेंद एक बार फिर सुंदर तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए ज्यादा, जो कि बड़ा शॉट नहीं है, अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा। एक रन बिल्कुल मिलेगा, इसे सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है, रन संख्या 8 रन बल्लेबाजी कर रहे टीम इस वक्त आवश्य भी। इससे पहले तीसरा मुकाबला समाप्त हुआ, असगनी ने जीता, कॉन्ग्रेचुलेशन असगनी। राइट अप ओवर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ये पुंटॉस गेंद है ऑन सर की तरफ खेल रहे हैं, लेकिन शॉट इतना अच्छा नहीं था, टाइमिंग नहीं थी, पुंटॉस गेंद पर एक जोरदार प्रहार होना बहुत जरूरी था। और इस तरह की गेंदें जो है आपको बार बार नहीं आएगी, खराब गेंद थी, इसके ऊपर अगर जोरदार प्रहार करते तो गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन जो दायरे के अंदर खिलाड़ी उनकी तरफ जा रही है, मिड विकेट पर खिलाड़ी एक दायरे के अंदर है, पावर प्ले चल रहा है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 8 रन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज कृष्णा और रोहित जिन्होंने 8 रन बनाए, इससे ज़्यादा भी बन सकते थे, फुल टॉस गेंद आई थी, लेकिन क्रिकेट जो है अगर मगर से नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्त को जारी रहेगा। थैंक यू डीजे। असगनी के जो खिलाड़ी प्लीज आइए, असगनी मैन ऑफ द मैच। आमचे मार्गदर्शक आदरणीय दत्तरामजी आमरे यांच्या शुभ हस्ते मैन ऑफ द मैचचा पुरस्कार दिला जातोय, आणि असगनी कॉन्ग्रॅच्युलेशन, छान खेळला, चांगली गोलंदाजी झाली, आणि मैन ऑफ द मैचचा पुरस्कार जातोय ज्याने अप्रतिम फलंदाजी केली आणि संघासाठी अतिशय महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे, तो खेळाडू आहे, मॅन ऑफ द मॅच गोज टू वन अँड ओनली मिस्टर बाबा।
बाबा कंग्रेचुलेशन, अजगनी कंग्रेचुलेशन। इस बार जो कि और एक रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, ओवर दूसरा प्रगति पर है, वाइड के साथ शुरुआत हुई थी। पहले ओवर की बात करें तो तेजस ने गेंदबाज की, दूसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाज आए हैं और एक नौजवान गेंदबाज मैदान के अंदर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था। दिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाजों के लिए मौका है बड़े शॉट खेलने के लिए। कुछ खराब गेंदें भी आ रही है लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। दूसरा ओवर प्रगति पर है, रन संख्या 11 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है, सेकेंड इन प्रोग्रेस, स्कोर 11 for none। अवश्य टीम की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं, दुर्बल एंड से गेंदबाजी करेंगे राइट ओवर द विकेट। अटके हुए बाहर जाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया, सुंदर तरीके से पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी दूर गेंद जा रही है और उसके बावजूद सिंगल ले रहे हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से ये दूसरा भी बन सकता था लेकिन मना किया है, क्या नॉस्टेकर इनके बल्लेबाज ने मना किया है। दूसरे ओवर में रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के, दोनों बल्लेबाज सेंस थोड़ा ऑफ टंप के बाहर जाके ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा होता है, रन संख्या 14 रन 14 ऑन द बोर्ड। दूसरा ओवर है, आवासीय की टीम बल्लेबाजी कर रही है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। आवाजी चषक चल रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट आप देख रहे हैं और दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नीलेश अपने के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद जा रही है। इस बार डीप स्टंप कवर की तरफ बहुत ही तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। बीच बीच में आपको वो बड़े शॉट भी खेलने होंगे। विशाल नाइक और मोंटी गुड़ेकर मैदान के अंदर अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। सतीश भाऊ को मैं देख रहा हूं इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स के सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बार छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार है, खिलाड़ी यहां मौजूद है और ये आसार कैच होना चाहिए। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाएंगे, रोहित बड़ा झटका लगेगा क्योंकि यहां विकेट की जरूरत है, वो विकेट बिल्कुल सुनगांव को मिलता हुआ। खिलाड़ियों का स्वागत है, नीलेश को सफलता मिले, पहला ब्रेक थ्रू सुनगांव के लिए दिलाते हुए और अवश्य बी के लिए इनकी उम्मीदों को पहला झटका लगता हुआ। एक एंड पर कृष्णा बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी अभी तक। नाउ स्कोर 16 plus 1 विकेट और ये इस ओवर की आखिरी गेंद है। दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट क्योंकि लॉकडाउन के बाद खास करके बहुत सारी चीज़ें हमने खोई थी। 7-8 महीने से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं था, रबर बॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट नहीं हुए थे। मार्च के बाद लॉकडाउन का जो समय है वहाँ से बहुत सारे टूर्नामेंट हमने मिस किए थे। दिनेश की अगली गेंद बैक पर जाके आंसर की तरफ पुल किया, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, शानदार कैच, विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते, बहुत बड़ा विकेट और बहुत बड़ा शिकार दिनेश ने कर दिया है। आखिरी गेंद पर विकेट आया, लगातार दो विकेट लिए हैं, अगर इनको और एक ओवर मिलेगा तो हैट्रिक लेने का मौका है। रन संख्या 16 रन दो विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर किरण एक तरफ, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे विनोद, रोहित का विकेट खोया है, कृष्णा जो अच्छा लग रहे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 10 रन बना के बैक टू द पवेलियन जाते हुए। 16 for 2 विकेट, 16 रन और अब जाकर किसी और बल्लेबाज को हीरो बनने का मौका है। मिथुन गेंदबाजी करेंगे, बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं इस टीम में, वो कहां से आए मैं आपको बताता हूं। राइट अप ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हवा में लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है, मिस टाइम स्ट्रोक है, शानदार कैच, पिछले 3 गेंदों में 3 विकेट लेकिन 2 अलग गेंदबाज को मिले हैं। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन जाएंगे, किरण बड़ा झटका लगा,
सुंदर गेंदबाजी, सोनगांव के लिए देखिए जो सोनगांव प्रीमियर लीग होती है उसका फायदा मिल रहा है। नए बल्लेबाज अजय, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं रिदम के साथ, जो कि इस पर टिप्पा बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। या ठिकाणी सुहास पवार यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे, त्यांचा सन्मान देखील केला जाईल। सुहास पवार आपण आवाज चषकाच्या व्यासपीठावरती यायचं आहे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया कवर की तरफ जाते हुए, गेंद बहुत तेजी के साथ कवर पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आ रहे, एक रन मिलेगा, बढ़िया फील्डिंग का, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। जब तक इस गेंद को कवर के खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ रन संख्या 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी पारी जो है लटकड़ाती हुई, निलेश की अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार है अजय, नौ स्ट्राइकर एंड पर विनोद, काबिलियत है, प्रतिभा है दोनों के पास। ऑफ्रेम के बाहर सुंदर तरीके से डीप स्टैक कवर की तरफ खेलते हुए शानदार शॉट, गेंद बॉल की तरफ ट्रैवल होते हुए चार रन मिलेंगे, दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवासीय चषक 2020 और मुकाबले की अगर बात करें तो आवासीय बी और सोनगांव के बीच मुकाबला चल रहा है। तीसरे ओवर का खेल जारी है, राइट टर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिला है, बल्लेबाज क्रीज के बाहर चले गए थे वो सबसे बड़ी परेशानी थी, और इतना अच्छा शॉट खेलने के बाद इस तरह से आउट हुए, सॉफ्ट डिसमिसल गॉन, बड़ा झटका। चलिए एक गाना आएगा, विकेट गिरता है तो एक बार फिर वो गाना आता है। स्वागत है नए बल्लेबाज मैदान के अंदर केदार, क्या केदार इस बार दमदार साबित हो सकते हैं, जरूरत है एक अच्छी पारी की, छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल पारी खेलेंगे तो मजा आएगा। काफी संख्या में दर्शक इस जो कि टूर्नामेंट का इस प्रतियोगिता का आनंद उठा रहे हैं। मिथुन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अवश्य के लिए, जो कि ये मैच भी एक बार फिर चैलेंजिंग रहेगा। राइट टर्म ओवर द विकेट, ओहो टप्पा खाने के बाद उछाल लेती विकेट, उड़ाल लेती विकेट, विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर केदार है, एक तरफ बल्लेबाज की अगर बात करें तो विनोद डटे हुए हैं लेकिन ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा आगे आए और गेंद को खेलने की कोशिश की, सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, कमाल की गेंदबाजी करे मिथुन तेजस का पहला ओवर, उसके बाद में दिलेश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। थोड़ा अजीबो गरीब है, फाइन लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, एक्सलेंट बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स, क्या गेंदबाजी की है। अब जाकर देखिए रन संख्या कुल मिलाकर 21-21, बिल्कुल दबाव बढ़ रहा है, विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड, नाउ दे नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए तब जाकर मैच बनेगा। तीन ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहले ओवर में 9 रन है, उसके बाद में 7 रन, उसके बाद में 5 रन, ये इसलिए हुआ क्योंकि विकेट जो है रेगुलर इंटरवल में गिरते जा रहे हैं। पारी लड़खड़ाते भी आवाज़ भी की, निर्णायक ओवर डालने के लिए ऋषि को मौका मिला है।
दिनेश कप्तानी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, सोनगांव के लिए, तो दूसरी तरफ से विनोद के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, काबिलियत इनके अंदर भी है। ड्राइव बिल्कुल किया, क्या बल्ले के बीचों बीच खराब फील्डिंग तारी के अंदर गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है और शानदार तरीके से फुटबॉल खेलते हुए अपने टीम के लिए, और ये गेंद बॉडी के बाहर चार रनों के लिए जाते भी, इसकी जरूरत है अब आशीपी को, मच नीडेड बॉडी फॉर द बैटिंग साइड, और इस चौके की मदद से स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल एक गाने के साथ वापस आएंगे। वहाँ पर गेंद और ये कैच तो बहुत आसान था लेकिन छोड़ दिया है। रनों की तलाश में है बल्लेबाज आवाशी बी के, रन संख्या इसी के साथ बढ़ रही है, रन संख्या 28। विकेट देखिए कितने गिरे, आधी टीम पैवेलियन में लौट चुकी है, 5 विकेट गिरे हैं, तो इसका भी दबाव होता है, विकेट गिरने का दबाव होता है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर है बल्लेबाजी करने के लिए विनोद, तो जिनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। आखिरी ओवर ऋषि का, 3 गेंदों का खेल बाकी, ये चौथी गेंद लेके गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राउंड विकेट इस बार आवा की तरफ बहुत ऊपर जाते भी गेंद, वही खिलाड़ी है क्या, वही कार्य घूम रहे हैं क्या, शानदार लिया गया लेकिन वो खिलाड़ी अलग है, दायरे के अंदर जो खिलाड़ी उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, शानदार बहुत ही जबरदस्त गया, 6 विकेट का पतन। थैंक यू डीजे, 28 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर, पारी पूरी तरह से लड़खड़ाते भी आवाशी बी की टीम और सोनगांव की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन। केवल एक खिलाड़ी छोड़ के सोनगांव के जो खिलाड़ी खास करके फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी इन्होंने प्रभावित किया, एक खिलाड़ी जिन्होंने कैच छोड़ा था उसके बाद में इस कैच की तरफ जाने की कोशिश की तो वो घूम रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इनको आप कवर की तरफ लेके आए हैं, ऑफ टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं और मॉन्टी की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता है, काफ़ी ऑफ टंप के बाद 6-7 स्टंप की तरफ गेंद है। अब देखिए ज़्यादा एफर्ट जो है बल्लेबाजों को लगाना होगा, उनके ऊपर दबाव है, 6 विकेट को है नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पम्या, एक गेंद पर बल्लेबाज की बात करें तो संतोष बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज इस वक्त संतोष है और ये निर्णायक ओवर की आखिरी कुछ गेंदें बाकी है। गति परिवर्तन किया था आंसर की तरफ के लिए, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए, बहुत शानदार फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, ये क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रन लेना बहुत ज़रूरी है, रनों के भूख को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये दोनों कबड्डी खेल रहे हैं, यहाँ रनों की तलाश होगी, जिस तरह से रन नहीं मिलेंगे तो एक बार फिर बाद में और परेशानी होगी। इस बार गेंदें आपके पास बहुत कम है, आखिरी गेंद है तो इसके ऊपर आपको हमला करना होगा, बड़ा शॉट खेलना होगा तब जाकर बात बनेगी। निर्णायक ओवर की आखिरी गेंद, सुंदर शॉट, शानदार, इस बार भागने की जरूरत नहीं है, 4 रन मिलेंगे, यह मोमेंटम देगा आवाशी को। अजिंक्य प्लीज आइए, मिस्टर बाड़ू हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए प्लीज, क्योंकि ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, 35 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं आभासी चषक 2020, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, किसका बनेगा शतक, किसका बनेगा दशक और कौन लेके जाएगा
आवासी का ये खूबसूरत चषक। एक ब्रेक के साथ दूसरी पारी की तरफ रुख करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है ये। त्याच्याकडे एवढी क्षमता आहे की एका षटकामध्ये चार चार किंवा पाच पाच मोठे षटकार खेचू शकतो, एवढी ताकद त्याच्याकडे। तो खेळाडू आता श्रीलंकाबद्दल खेळत नाही आहे। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। अजिंक्य आमरे प्लीज आइए। त्रिमूर्ति लोटे के कप्तान और आवासी मध्यबाड़ी के कप्तान को गुजारिश है हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आए। त्रिमूर्ति लोटे और आवासी मध्यबाड़ी, टॉस होना बहुत ज़रूरी रहेगा, जैसे कि ये भी मुकाबला बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सोनगांव के पास बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं, क्षमता वाले खिलाड़ी, लेकिन निगाहें रहेगी, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। सौरभ, सौरभ के ऊपर निगाह है। किरण भी अगर बात करते तो वो भी दे देना दन बल्लेबाजी करते हैं, दोनों बल्लेबाज। सौरभ को मैंने जो कि सोनगांव में देखा था, सोनगांव प्रीमियर लीग में लगातार चार छक्के जड़े थे, और वो देखिए इतने इतने विस्फोटक है कि चारों ओवर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। किरण ऑन स्ट्राइक, विशाल नहीं है क्या, इसका फायदा मिलेगा। एक बड़े खिलाड़ी जब नहीं होते तो बिल्कुल उसका फायदा विपक्षी टीम उठाना चाहती है, जैसे कि वार्नर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ फर्क नहीं पड़ा। वार्नर नहीं तो कुछ एक बार फिर फर्क नहीं पड़ा, भारत के लिए फर्क पड़ा। दूसरी इनिंग में केवल 36 रन बनाए, वो 19 तारीख थी तब भारत ने 2016 में 759 रन बनाए थे, 2016 की बात कर रहा हूँ। और 2020 में कहानी है, इन्होंने 19 तारीख को दिसंबर महीने में वो 36 रन बनाए थे। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, कहानी बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। पहली गेंद गेंदबाजी करने के लिए स्वप्निल है, स्ट्राइक करियन पर बल्लेबाज किरण है, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज। पावर प्ले का इशारा मॉन्टी गुडेकर कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप और उसके साथ पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, अच्छी तरह से जो कि समझ नहीं पाए। 24 गेंदों में 35 चाहिए और किसी एक गेंदबाज को आपको टारगेट करना है। ये पहला ओवर प्रगति पर है, फील्डिंग की जमाउंट देखिए, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, इस मैच का आंखों देखा हालात सुन रहे हैं। नाना पहुंच चुके हैं, त्रिमूर्ति लोटे के कप्तान, व्हाइट बॉल का इशारा, इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। रन संख्या एक रन बगैर किसी नुकसान के। मध्यवाड़ी के कप्तान जो है, इनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनको दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज हमारी कॉम्बॉक्स की तरफ आए टॉस के लिए, क्योंकि इसके बाद में और एक बड़ा मुकाबला, इसका टॉस होगा। अगली गेंद के साथ स्वप्निल राइट अप ओवर द विकेट, इस गेंद को तो के आगे जाके खेलने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप से आगे आए थे, ये बहुत अच्छी गेंद थी। थोड़ा सा माहौल बन रहा है विकेट के लिए, एक वाइड बॉल, इसके बाद में एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद थी पहली गेंद, जिसमें कि बल्लेबाज कुछ बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। नॉन स्ट्राइकर इन पर सौरभ जैसे खिलाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की रन, रन संख्या एक रन बगैर किसी नुकसान के। मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन बने हैं, बल्ले के बीचों बीच अभी तक जो कि गेंद नहीं आई है, कोई रन नहीं है। स्वप्निल राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर अच्छा शॉट, पुल किया, डीप स्क्वायर लेग बॉल की तरफ गया, जाते हैं चार रनों के लिए, मिलेंगे रन चार तो बेड़ा होगा पार।
ओवर देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है स्वप्निल का, राइट टर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा विकेट के ऊपर कैसा आ रहा बल्लेबाज किरण बैक टू द पवेलियन, स्वप्निल को मिले सफलता, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सोनगांव टीम के लिए। थैंक यू डीजे, शेखर बोरे मैदान के अंदर है, मैदान के बाहर जब रहते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, विकेट के पीछे रहते तो भी एंजॉय करते हैं। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बढ़िया गेंदबाजी, स्वप्निल की गेंदबाजी की ताकत क्या, वो ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं, टिप्पा चौथी पाँचवें स्टंप की तरफ रख रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए और लेंथ अच्छी रख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाज के लिए। ये भी हवा में है, ऑनसाइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, बहुत ही लाजवाब तरीके से इस गेंद को डीप मिड विकेट बॉर्डर के बाहर खेल दिया, दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। कप्तान को गुजारिश है, मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे कॉम्पस की तरफ आए, नाना पहुंच चुके हैं, त्रिमूर्ति लोटे के कप्तान पहुंच चुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम शेखर मोरे, अगली गेंद के साथ स्वप्निल गेंदबाजी करेंगे, शेखर मोरे के लिए रन संख्या अब 11 रन, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। ये बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, लेकिन चूंकि गेंद को जो है थोड़ी लेग स्टंप की तरफ भी जा रही थी, थोड़ी ऊपर भी थी, इसलिए नॉट आउट कहा, क्योंकि अपील तो करेंगे, अपील करना तो मेरे हिसाब से गेंदबाज का काम है। मॉन्टी के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, आफ्टर वन ओवर नाउ स्कोर 12 प्लस ऑफ वन विकेट, सफल ओवर बिल्कुल रहा, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिरने का गिरा है, 35 की तरफ जाना है तो आपको विकेट लेते रहना चाहिए। गाना लेके वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगा। कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है, कवर पॉइंट के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था एक रन लेने के लिए। बदलीवाड़ी के कप्तान भी पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूं गोटिया को, सुचित भी पहुंच चुके हैं, नाना इस वक्त है और चर्चा बिल्कुल होगी इस गेंद के बाद। राइट ऑफ द विकेट, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को ड्राइव किया, बढ़िया तरीके से फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, क्या बेहतर फील्डिंग किया, क्या बेहतरीन फील्डिंग की है इस बार, टॉस क्या बदलीवाड़ी ने जीता, एक बार त्रिमूर्ति लोटे ने जीता है, तो डिसीजन आपको यहीं पर लेना होगा। अलग अलग टी शर्ट में आए सारे खिलाड़ी, फील्डिंग करने का फैसला लिया है त्रिमूर्ति लोटे ने। अगली गेंद के साथ कृष्णा, राइट अप ओवर द विकेट, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थी, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आगे वाली लेंथ थी, इस बार पढ़ नहीं पाया और थोड़ा सा देखिए लेग स्टंप की तरफ चले गए थे, बैटर पैड के बीच तो भाग रहा था, उसको चीरती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 14 रन, जीतने के लिए 35 चाहिए, दूसरा ओवर प्रगति पर है, कृष्णा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, बार आसमान की तरफ उड़ाया, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दैट शुड बी टेकन, इसकी जरूरत है, शेखर मोरे बैक टू द पवेलियन, डिपार्ट गॉन।
राजेश चौहान पहुंच चुके हैं, मयूर खताते भी पहुंच चुके हैं, भूषण काते भी पहुंच चुके हैं, सभी का स्वागत है। तो मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज़ पूरे सम्मान के साथ हमारे मंच की तरफ आए। आवासीय चषक में हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, मैंने कहा कि गेम बनाएगा नेम, कृष्णा भगवान कृष्णा हो, एक बार टेनिस क्रिकेट के जो बल्लेबाज कृष्णा हो, या एक बार फिर आवासीय के कृष्णा हो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त कृष्णा। बढ़िया गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं गेंद आई, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती भी, बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ। इस ओवर में गेंदबाज ने समा बांधा, जैसे कि हमारे डीजे ऑपरेटर समा बांध रहे गाने के साथ, उसी तरह से मैदान के अंदर कृष्णा ने समा बांधा है। वो काम तो महाभारत में कृष्णा ने भी किया था। बैकफुट पर खेले, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच, गेम बनाएगा नेम, कृष्णा ने मैच में वापस आने के लिए एक बार फिर बिगुल बजाया है। नाम में मैजिक है, एक मैजिक अपने महाभारत में देखा था, एक मैजिक आप टेनिस क्रिकेट में देख रहे हैं, और एक मैजिक आवासीय चषक में कृष्णा ने दिखाया है। इस ओवर में केवल दो रन आए और सबसे बड़ी बात, दो शिकार कर दिए हैं, वो भी बड़े शिकार हैं, और जो काम खास करके ए टीम नहीं कर पाई वो क्या बी कर पाएगी। आपने शिकार किए, मेहनत की है, एक बार फिर मेहनत के शिकार किए हैं तो मजा आएगा। रन संख्या देखिए, पहले ओवर में 12 थी, उसके बाद में 2 आए तो 14 रन ही बने हैं, ज्यादा नहीं बने हैं, तो बहुत बढ़िया। 35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने, अब फासला बन रहा है, 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए अब चाहिए 21 रनों की जरूरत। इस आंकड़े को आप थोड़ा उल्टा कीजिए, 21 को उल्टा करेंगे तो 12 आएगा, 12 को उल्टा करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन मैच में हम पलटवार चाहते हैं, क्या एक बार फिर बल्लेबाज कमाल करेंगे। अगर विशाल को यह मुकाबला खेलना है तो अभी बल्लेबाज को थोड़ा बेहतर काम करना होगा, अगला मैच खेलने के लिए आ रहे हैं तो मजा आएगा। मिलिंद भी है इस वक्त जो कि डगआउट में, बहुत सारे खिलाड़ी डकआउट में है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की अगर बात करते हो, बल्लेबाज सिद्धेश, नॉन स्ट्राइकर पर दिनेश, काबिलियत वाले बल्लेबाज ये भी है। क्षितिज गेंदबाजी करेंगे, आता क्षितिज या शब्दाचा अर्थ काय तर आपण तो देखील जाणून घेऊया, परंतु पहिला चेंडू टाकणं फार गरजेचं आहे, त्यासाठी थोडासा वेळ जातोय। जिथं वाटतं की या डोंगराला आकाश टेकलंय ते क्षितिज आपण समोर बघतोय, यावेळेला चेंडू डाव्या यष्टीरून मागे येतोय, 11 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे। मैदानातला फलंदाज सिद्धेश, आपल्याला व्हायचं असेल प्रसिद्ध तर करावं लागेल सिद्ध, स्वतःला सिद्ध करायला नाव आहे या ठिकाणी सिद्धेश, अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू मैदानामध्ये आहे। पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्फती गोलंदाज सज्ज होतोय, चांगली गोलंदाजी, दर्जेदार गोलंदाजी आहे, चेंडू पुन्हा एकदा जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये, सिद्धेशला मात्र काही काय तितकीशी चांगली कामगिरी करतात, दिनेश मात्र समजावण्याकरता येतोय। पहिल्या दोन चेंडूमध्ये दोन चेंडू त्यांनी निर्धाव टाकलेत, अप्रतिम कामगिरी, जे काम कृष्णाने केलं ते काम आता सिद्ध करतोय, सिद्धेश करतो आहे, स्वतःला सिद्ध करतोय, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची ही नामी संधी आहे। 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 21 धावांची आवश्यकता, खेळ आता चांगलाच रंगला आहे, बॅट आणि बॉलमधलं द्वंद्व आपण या ठिकाणी पाहतोय। यावेळेला फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला खेळला, तितकासा चांगला फटकाने चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग पट्ट्यामध्ये, एक धाव येते, चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे, आणि बीची टीम किती दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करू शकते हे दाखवून देत आहेत। स्क्वेअर लेगमध्ये डीपमध्ये आतील क्षेत्ररक्षण अप्रतिम कामगिरी करतोय, आणि आता 9 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता। क्रिकेटमधलं हे समीकरण आहे, आता जिंकण्यासाठी दोन्ही बाजूने शर्तीचे प्रयत्न केले जातील यात काही शंका नाही आहे। तमाम प्रेक्षकांच्या साक्षीनं आवाजी चषकातला एक दमदार मॅच आपण बघतोय, रोमर्षक सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय, दिनेश या वेळेला स्ट्रायकरीनवरती आहे, 9 चेंडू आणि 20 धावा असं समीकरण आहे। आत्तापर्यंत या षटकात फक्त एकच धाव आलेली आहे। डावेश तिकडे जाणारा चेंडू पंच दोन्ही यात फैला होतात आणि सांगतात की चेंडू स्वैर आहे, यापूर्वी डावखुऱ्या गोलंदाजाला चांगली गोलंदाजी केली आहे परंतु उजव्या हाताचा फलंदाज आला आहे, त्यामुळे डावी उजवी जोडी मैदानात असेल तर ती डोकीदुखी ठरते गोलंदाजासाठी। 9 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता। राईट टॉप ओव्हर द विकेट पंतांच्या डाव्याकडे गोलंदाजी करतोय, ज्यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जाईल की आतमध्ये, बहुधा हा झेल,
जे ए ने काम नहीं केले तो बी करते सोनवा अवसर के तकड़ा संघा समोर अप्रतिम कामगिरी फलंदाज दिनेश बैक टू द पेबलन जातो है हे षटक निर्णायक ठरते है आणि आता मात्र या वेळेला पूर्णपणे पाठ जड है ते आवाशी बी संघाचं आठ चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे जिंकण्यासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे आणि हा क्रिकेटचा खेळ आपण बघतोय आणि त्या खेळाचं भविष्य वर्तवणं फार कठीण असतं. पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे, तुम्हाला व्हायचं असेल प्रसिद्ध तर स्वतःला करा सिद्ध आणि मला वाटतं यावेळेला सिद्धस्थेच काम करतो आहे. यापूर्वी कृष्णाने चांगली गोलंदाजी केली, आता डावखुरा फलंदाज मैदानामध्ये निश्चितच यावेळेला येतो आहे. चांगली गोलंदाजी, अत्यंत सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. सिद्धेशला स्वतःला सिद्ध करायचं आहे, अजूनही त्याच्या बॅटमध्ये धावांचा ओघ वाढत नाही आहे. तो खेळतोय व्यक्तिगत दोन, याचा धावसंख्या तो. दुसऱ्या बाजूला क्षितिज अप्रतिम कामगिरी करतोय. सूर्य तळपतोय आकाशामध्ये, प्रखर उन्हात सुरू असलेला एक जबरदस्त सामना, कडक सामना आपण बघतोय. यावेळेला ऑन साईडला फाईन लेग पट्ट्यात अतिशय वेगानं चेंडू सीमारे का पार जाणार यात काही शंका नाहीये, याची गरज आहे सोनगावला. आलाय चौकार, धावसंख्येला आलाय आकार. सहा चेंडू 14 धावांची आवश्यकता, मॅच चांगला तरंगला यात काही शंका नाहीये. दुपारच्या सत्रात कडक उन्हात कडक चाललेला सामना, एक चांगला सामना, रोमहर्षक सामना. आणि आता दोन्ही बाजूंना विचार केला तर चर्चा मैदानात होते, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. छः गेंदों का खेल से जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत है. किसके हाथ में गेंद होगी? ये गेंद नहीं होगी, गोल्डन गेंद होगी. और हमको ढूंढना है एक 24 कैरेट वाला वो गोल्ड हीरा. एक बार फिर हीरा नहीं, वो हीरो होगा. छह गेंदे 14 रनों की जरूरत है, सात चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. रन संख्या 21-21. मध्यबाड़ी की टीम भी तैयार है अगले मैच खेलने के लिए, त्रिमूर्ति लोटे की टीम भी तैयार है नेक्स्ट मैच खेलने के लिए. शेवट से सहा चेंडू शिल्लक है, 14 धावांची आवश्यकता. और आखिरी ओवर लेके कौन आएगा, किसके हाथ में ये गेंद होगी? संतोष क्या अपने टीम के लिए वो संतोष देंगे? आवाश्य बी के लिए भी चैलेंज है, लेकिन इन्होंने जो फील्डिंग की है वो लाजवाब है, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है सिद्धेश, नॉन स्ट्राइकर इन पर तेजस है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. विशाल की कमी खल रही है, इतना मैच आगे इसलिए चला गया है क्योंकि विशाल नहीं खेल रहे और ये टूर्नामेंट लाइव देख रहे हैं, ये सारा नजारा सारा दृश्य देख रहे हैं. ऑफ टाइम के बाहर की इंतजार, खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा, एक रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस जाएंगे? फिसलते हुए खिलाड़ी इसका फायदा उठाएंगे, पहली गेंद पर डबल आता हुआ, दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई. बल्लेबाज सिद्धेश जो है गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं. पांच गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला चल रहा है, ये भी पैसा वसूल मैच है. आवाश्य बी ने जो शानदार फील्डिंग और कृष्णा का एक ओवर जिसमें कि जान डाली, दो रन दे और दो विकेट चटकाए, तो इसका फायदा बिल्कुल मिलता हुआ आवाश्य बी को. लग रहा कि आने वाले दिनों में कृष्णा को थोड़ा ए में भी स्थान मिल सकता है. लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा. ओहो हो, ये कान में ट्विस्ट है, चक गेंदबाजी आप नहीं कर सकते. और इसके साथ कुल मिलाकर बिल्कुल 2 रन मिलेंगे और ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है. 2 ही मिलेंगे क्योंकि नो बॉल का इशारा चक गेंदबाजी अब नहीं कर सकते, तो आखिरी ओवर डालने के लिए कौन आएगा? केदार आपल्या संघाला पावतोय की का ते बघूया, प्रसन्न होतो की नाही ते पाहूया. कारण इथे जी अवघड स्थिती आहे, 19 चेंडू शिल्लक आहेत, 5 जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे 10
आणि गणित सारखी बदलत आहे, समीकरण सारखी बदलत आहेत, आकड्यांचा खेळ रंगतो आहे, बॅट आणि बॉल मधलं द्वंद्व या ठिकाणी रंगत आहे आणि हा रोमहर्षक सामना प्रेक्षकांसाठी परवडी ठरतो. टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून तमाम प्रेक्षकांना याचा आनंद घेण्याची निश्चित संधी आहे. विशाल मॅच बघतोय आणि तो देखील थोडासा तणावामध्ये असेल. कोण जिंकणार, आमाशी बी की सोनगाव? सहा चेंडू 14 होते, आता 5 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. केदार मैदानात आलेला आहे आणि आता गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होते. खेळण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा सिद्धेची असेल. केदार आपल्या संघाला पावतो की नाही ते बघूया. या षटकातला पुढचा चेंडू शेवटचा निर्णायक षटक आहे. श्वास रोखून ठेवला, क्षणाक्षणाला उत्कंठा या सामन्याची वाढू लागलेली आहे. मैदानात खेळ थांबलेला आहे. केदारचा पुढचा चेंडू आहे. ऑफटाईमच्या बाहेर खूप टाकलेला चेंडू आणि यावेळेला पंच पुन्हा एकदा हात फैलावतील. शेवटचं षटक कोणी टाकायचं हा यक्ष प्रश्न आहे. केदार मात्र पहिला चेंडू टाकतोय ऑफटाईमच्या खूपच बाहेर. आता चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. असं नाही की सिद्धेश फार आक्रमक फलंदाजी करतोय किंवा एफर्टलेस बॅटिंग करतोय, परंतु गोलंदाजी तितकी धारदार होत नाही आहे. 5 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. यावेळेला कुठपर्यंत चेंडू ऑन साईडला खेळला अत्यंत छान पद्धतीने चेंडू जातोय मिड विकेट पट्ट्यामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. बघूया दुसरी धाव काढण्याकरता प्रयत्न केला जाईल. 2 धावा आरामात पूर्ण होत आहेत. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 7 धावांची आवश्यकता. 4 घे धोका खेळ त्याचे जिद्द केले. 7 रनोकी जरूरत आहे. एक अच्छा मुकाबला चंद्र काटे की टक्कर चंद्र ही है मैदान के अंदर. ये गेंद और बल्ले के बीच की एक बहुत अच्छी जंग आप देख रहे हैं. केदार की अगली गेंद सिद्धेश के लिए. बरौंसर की तरफ हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. सेपेस खिलाड़ी ले लिया कैच. क्या बात है कमाल का. खेलना होगा. अब देखिए 3 गेंदों का खेल, जैसे 7 रनों की जरूरत है. कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है. थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच चल रहा है और कांटे की टक्कर चल रही है. रोचक मुकाबला चल रहा है. सोनगांव को जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत, कंपल्सरी चेस है. केदार गेंदबाजी करेंगे. बहुत अहम मुकाबला चल रहा है इस प्रतियोगिता में. शानदार मैच है ये. इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक भी आते हैं. फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे. फाइनली की तरफ गेंद चली गई, मिडवे की तरफ खिलाड़ी यहां मौजूद है. सुंदर फील्डिंग दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. 2 रन मुकम्मल करेंगे. कबर के ऊपर गेंद है तो नो बॉल. विशाल नाई की तरफ से इशारा होता हुआ, इसका मतलब 3 रन मिलेंगे और इसके साथ ये सर के ऊपर से हाथ भी घूमेगा. लंबा विकेट है. अब कितनी गेंदें से 3 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत. मैच अभी भी बना हुआ है लेकिन सही ठिकाने में आपको गेंदबाजी करनी होगी. अब आप गेंद है, खिलाड़ी मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग के बाद 6 रनों के लिए जाते भी. शानदार शॉट, मैच समाप्त. सोनगांव ने मैच जीत लिया और विशाल बहुत खुश है जो ये मैच देख रहे थे. ये खूबसूरत छक्का है और लेकिन हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी जिस तरह से मुकाबला था. अगर एक विकल्प आवासीय बी के पास होता तो मजा आता. कृष्णा आपने प्रभावित किया. मुझे लग रहा है अगले टूर्नामेंट में कृष्णा को थोड़ा और ऊपर जगह मिल सकती है, खास करके टीम ए में भी मिल सकते. इतनी अच्छी गेंदबाजी आपने की है.